खुलने वाली है यहां पर इसे पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहा जाता था जो डेडिकेटेड है फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेटिव साइंस के लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया इसका नया सेंटर ऑफ एक्सिलेंस जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए है नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के राइट ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और कहां पर यह होगी अहमदाबाद में यहाँ पर वर्चुअल ट्रेनिंग भी दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन राइट right? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स अगेन के लिए भी वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाने वाली है यहां पर अहमदाबाद में है ये रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी आई एफ एस सी फ्रेमवर्क टू सेटअप आई टी एफ एस प्लेटफॉर्म वट डज आई टी एफ एस स्टैंड तो आपको आई टी एफ एस का फुल फॉर्म बताना है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेस रिमेंबर फाइनेंस में काफी कुछ सेल हो रहा है काफी अच्छे इनोवेशन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो फाइनेंस से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहां पर बढ़ जाती है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी आईएफएससीए को सेटअप किया गया है रेगुलेट करने के लिए क्या रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में आने वाले हैं आई क्या करेगा एक फ्रेमवर्क इशू करेगा ताकि वो उसे ऑपरेट कर सके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को राइट इससे क्या होगा इससे हेल्प मिलेगी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को ताकि वो अपने फाइनेंशियल सर्विसेज में बेहतर फैसिलिटीज को पा सके क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे कुछ अच्छा सेटअप करने वाले होते हैं तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर हो साथ में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इन सभी चीजों को इंटीग्रेट कर सके राइट इज़ है फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रपोज लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कैटल्स कैटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस स्टेट ने नया लेजिस्लेशन या नया लॉ बनाया तो असम ने यहाँ पर नया लॉ बनाया है और इसका नाम है असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 रिमेंबर दिस थिंग इसी तरीके से असम ऐसा पहला स्टेट नहीं है इस तरीके से यूपी में मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में भी सेम लॉस पाए गए हैं जो कि कैटल को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए हैं ताकि कैटल्स के स्लॉटर या उनके कंजम्पशन या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन से प्रिवेंट किया जाए देखा जाता है कई बार बहुत सारे गाय या फिर बफेलोस को ट्रक में भर के इलीगल तरीके से कतलखाने ले जाते हैं और वहां पर उनका स्लॉटर होता है तो इन सब चीजों से प्रिवेंट करने के लिए कैटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बेसिकली बनाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री इज बिल्डिंग लिंगलोंग वन दर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तो लिंगलोंग वन इस नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये एक चाइनीज वर्ड है आप जापान के साथ कंफ्यूज हो सकते हो नो डाउट बट फिर भी यहाँ पर आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि ये एक चाइनीज वर्ड है इसीलिए चाइना में इसका अभी अभी बिल्ड हो रहा है यानी कि इसे बनाया जा रहा है चाइना ने ऑफिशियली इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जो कि पहला कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर होने वाला है और कहां पे होगा ये चांग जियांग न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये किस काम में आएगा तो यहाँ पर जो इसकी जनरेशन कैपेसिटी है यानी इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो लगभग बिलियन किलोवाट होने वाली है पर आवर्स वन बिलियन किलोवाट आर्स यानी कि काफी हाई पोटेंशियल है इसमें जिसपे कैपेसिटी होगी टू केटर फाइव लैक हाउस होल्ड इन चाइना तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में कम कैपेसिटी ज्यादा कैपेसिटी कम अमाउंट में जनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू हम अगर ट्रेडिशनल वे से जाए लाकि जैसे कि हम कोल से जनरेट करते हैं या थर्मल पावर से जनरेट करते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा मटेरियल में कम एनर्जी मिलती है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे होते हैं कि थोड़े से अमाउंट में बहुत यूज अमाउंट में एनर्जी को जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ये आपके सामने इमेज है इस तरीके का रिएक्टर यहाँ पर बनाया जा रहा है चाइना में नाम है लिंगलोंग वन नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक इज लोकेटेड इन विच स्टेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर आप देखिएगा नेशनल रिसर्च सेंटर खुलने वाला है याक के लिए एट दिरांग इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इसने टाइप किया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एनआईसीएल के साथ और याक को इंश्योर किया जाएगा यानी कि जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये इन याक्स का इंश्योरेंस करेगी दिस इज द फर्स्ट सच इंस्टेंस इन द कंट्री दैट इज इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हाईली वैल्यूएबल हिमालयन कैटल अप्रूव्ड इससे पहले याक्स के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं आई थी इवन किसी भी ऐसे एनिमल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी तो ये हमारे कंट्री में पहली बार होने वाला है रिमेंबर याक हम लोग बचपन में पढ़ते थे वाई फॉर याक तो ये वही याक है आप इमेज में देख सकते हैं नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं लेजेंडरी प्लेयर पॉल ओर्नडॉर्फ फेमस एज मिस्टर वंडरफुल हैज पास्ड अवे ही वाज अ बैटलरन डैश तो पॉल ओर्नडॉर्फ इनका संबंध किससे था इन्हें आमतौर पर मिस्टर वंडरफुल के नाम से भी जाना जाता है अभी-अभी इनकी डेथ हो गई है इनका संबंध था रेसलिंग से ये एक फेमस रेसलर रह चुके हैं और अभी इनकी एज थी सेवेंटी वन तो याद रखिएगा एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है मिस्टर वंडरफुल किसे कहते हैं पॉल को। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर है तो ये इंडिया के नहीं है अमेरिकन है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल लेवल है संवेदन 2021 और संवेदन का फुल फॉर्म है सेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर भारत

फाइनल्स में इंग्लैंड को हरा दिया है और इटली जीत गया है 1 -1 से, राइट? Right? तो ये जो इवेंट है ये हुआ था लंदन में 12 जुलाई 2021 को नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज इंड 1.3 बिलियन यूएस डॉलर डील विथ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ 679 मेगावाट लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विथ इंडियन असिस्टेंस तो यहां पर आपका आंसर होगा नेपाल नेपाल ने अभी अभी एक डील साइन की है 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स की इंडिया के साथ अब यहां पर इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किस लिए डील साइन की है यहां पर नेपाल चाहता है कि 679 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाए जो होगा लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट नेपाल में डील के अकॉर्डिंग इंडिया का जो सतलज जल विद्युत निगम है ये डेवलप करेगा इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इसीलिए नेपाल और इंडिया के बीच में बेसिकली ये डील की गई है तो आपको कैपेसिटी याद रखना है सिक्स सेवेंटी नाइन इंडिया से कौन सी बॉडी हेल्प करने वाली है तो सतलज जल विद्युत निगम नेक्स्ट okay. क्वेश्चन है वेटरन इंडियन प्लेयर यशपाल शर्मा हैज अवे एट द एज ऑफ सिक्सटी सिक्स ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इवेंट तो यशपाल शर्मा जी का संबंध किस खेल से रहा है क्रिकेट से ये इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं और मेंबर ऑफ इंडियन टीम राइट तो इन्होंने 1983 में जब क्रिकेट ने इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उस समय ये इंडियन टीम के मेंबर थे। अभी इन्हें कार्डियक अरेस्ट की वजह से 66 इयर्स की एज में डेथ हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रगल विद इन मेमोयर ऑफ इमरजेंसी तो इस बुक के ऑथर है अशोक चक्रवर्ती जी और बुक का नाम है द स्ट्रगल विद इन मेमोर ऑफ इमरजेंसी तो आपको याद रखना है बुक्स एंड ऑथर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द द द विनर ऑफ गोल्डन बूट अवार्ड एट यूरो तो जो इवेंट्स अभी स्पोर्ट्स के हो रहे हैं उनमें से हमें कुछ अवार्ड्स याद रखने होंगे जिसमें से गोल्डन बूट अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है गोल्डन बूट अवार्ड जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पोर्टुगल के हैं और ये बेसिकली फुटबॉल प्लेयर हैं तो फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल स्पोर्ट में ही गोल्डन बूट अवार्ड होता है राइट right? तो आपको याद रखना है कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है गोल्डन बूट किससे संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज इम द हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बहरीन करालिया समाजम लिटरेरी अवार्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो विनर है ओमचेरी एन एन पिल्लई जर्नलिस्ट है ये और प्ले भी है नाम है ओमचेरी एन एन पिल्लई जी इन्हें सिलेक्ट किया गया है बहरीन करालिया समाजम लिटरेरी अवार्ड फॉर 2021 के लिए इमेज में आप देख सकते हैं ये है एन एन पिल्लई जी सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ तब तक बने रहिए अजिनाचल पर